નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ? ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન અબાઉટ લેસન નંબર 20, પ્રશ્ન ઓર ઉત્તર કા અભ્યાસ 3, યાની કે ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ આન્સર્સ પાર્ટ 3. તો યહાં પે આપકો એસે ક્વેશ્ચન દિયે જાયેંગે જિસકા આપકો આન્સર દેના હૈ. જૈસે કિ આપકો ચિત્ર દિખાયેંગે ઓર प्रश्न होगा कि यह किसका चित्र है, यह क्या है. तो आपको चित्र देखकर उसका उत्तर देना है कि यह इसका चित्र है, यानी कि कमल का चित्र दिया हो तो आपको क्या आंसर देना होगा कि यह कमल है. और फिर आपको दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्या कमल एक सब्जी है, तो आपको उसका आंसर देना है. तो बताओ कमल किस में आता है? कमल फूल, फूल में आता है ना. तो आपको लिखना है कि नहीं, कमल एक सब्जी नहीं है. तो आपको पहले ये देखना होगा कि सब्जी किसको कहते हैं, फल किसको कहते हैं, फूल किसको कहते हैं. ओके, तो पहले अनाज. अनाज में कौन कौन सी चीजें आती है? गेहूँ, चावल, ऐसा आता है ना. तो गेहूँ चावल उसको क्या कहते हैं? अनाज. क्या कहते हैं? अनाज. फिर केला, सेब, ऐसे फ्रूट्स होते हैं उसको फल कहते हैं. केला, सेब वो फल है. फिर सूरजमुखी, कमल वो फ्लावर है, यानी कि वो फूल है. सूरजमुखी, कमल, गुलाब वो सारे फूल है. फिर आलू, बैंगन, करेला ये सब क्या है? ये सब सब्जियां हैं. आलू, बैंगन ये सब सब्जी है. फिर घोड़ा, हाथी ये सब किस में आते हैं? राय किस में आते हैं? पशु में आते हैं. घोड़ा, हाथी ये सब पशु है. तो आपको यहाँ से चित्र देखकर प्रश्न का आंसर देना है. ओके, तो यहाँ पे पहला क्या है, कौन सा चित्र दिया हुआ है? पहला राय. कौन सा चित्र दिया हुआ है? लोटस. लोटस यानी के कमल. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यह क्या है? तो उसका आंसर क्या आएगा? यह कमल है. तो यहाँ पे आपको लिखना है यह कमल, यह कमल है. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि क्या कमल एक सब्जी है? तो बताओ कमल किस में आता है? सब्जी में आता है? नहीं ना. कमल किस में आता है? राइट, फल में आता है. तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, क्या कमल एक सब्जी है? तो उसका उत्तर क्या आएगा? नहीं, कमल एक सब्जी नहीं है. नहीं, कमल एक सब्जी नहीं है. नहीं, कमल एक सब्जी नहीं है. फिर दूसरा, तो दूसरा क्या है? राय. दूसरा राइस. इसका चित्र है राइस. राइस को हिंदी में क्या कहते हैं? चावल. तो क्वेश्चन क्या है, यह क्या है? इसका उत्तर क्या आएगा? वेरी गुड, यह चावल, यह चावल है. फिर दूसरा प्रश्न क्या है कि क्या चावल एक फल है? नहीं ना, चावल तो अनाज है. तो क्या चावल एक फल है? इसके उत्तर में क्या आएगा? नहीं, चावल एक फल नहीं है. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या बैंगन एक फूल है?
बैंगन फूल है? राय नहीं ना, तो बैंगन क्या है? राय बैंगन एक सब्जी है। तो यहाँ पे क्या बैंगन एक फूल है, उसका आंसर क्या आएगा? नहीं, बैंगन एक फूल नहीं है। बैंगन एक फूल नहीं है। ओके, फिर चौथा, तो चौथा चित्र कौन सा है बताओ? राइट, चौथा चित्र कौन सा है? वीट, वीट यानी के गेहूं। वीट को हिंदी में गेहूं कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यह क्या है? तो उसका उत्तर क्या आएगा? यह गेहूं है। यह गेहूं है। यह गेहूं है। फिर क्या गेहूं एक सब्जी है? बताओ, गेहूं एक सब्जी है? नहीं ना, गेहूं तो अनाज है। तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं, नहीं, गेहूं एक सब्जी नहीं है। गेहूं एक सब्जी नहीं है। ओके, फिर पांचवा, पांचवा चित्र कौन सा है बताओ? राइट, किसका चित्र है? बनाना। बनाना को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? वेरी गुड, क्या कहते हैं? केला। तो यह क्या है बताओ? राइट, यह केला है। यह केला है। यह केला है। फिर क्या केला एक फूल है? केला फूल में आता है? नहीं, केला किस में आता है? फल में आता है। तो क्या केला एक फूल है? उसका आंसर क्या आएगा? नहीं, केला एक फूल नहीं है। केला एक फूल नहीं है। ओके, फिर छठा, छठा चित्र कौन सा है? सनफ्लावर। कौन सा चित्र है? सनफ्लावर। तो सनफ्लावर को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? राइट, सनफ्लावर यानी के सूरजमुखी। तो बताओ यह क्या है? उसका उत्तर क्या आएगा? राइट, यह सूरजमुखी है। यह सूरजमुखी, यह सूरजमुखी है। फिर क्या सूरजमुखी एक फल है? सूरजमुखी फल है या फूल बताओ? राइट, सूरजमुखी तो फूल है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? नहीं, सूरजमुखी एक फल नहीं है। नहीं, सूरजमुखी एक फल नहीं है। सूरजमुखी एक फल नहीं है। सूरजमुखी तो फूल है ना, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? नहीं, सूरजमुखी एक फल नहीं है। ओके, फिर सातवां, तो सातवां चित्र कौन सा है? राइट, कौन सा चित्र है? पोटैटो। पोटैटो यानी के आलू। पोटैटो को हिंदी में आलू कहते हैं। तो यह क्या है? उसका उत्तर क्या आएगा? यह आलू है। यह आलू है। फिर क्या आलू एक अनाज है? नहीं, आलू अनाज नहीं है। तो फिर आलू क्या है? राइट, आलू एक सब्जी है। क्या आलू एक अनाज है? उसका उत्तर क्या आएगा? नहीं, आलू एक अनाज नहीं है। नहीं,
क्योंकि आलू तो सब्जी है। फिर आठवां चित्र कौन सा है? एप्पल। कौन सा चित्र है? एप्पल। तो एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? राइट, एप्पल यानी के सेब। तो यह क्या है, उसका उत्तर क्या आएगा? राइट, यह सेब है। फिर क्या सेब एक सब्जी है? सेब सब्जी में आता है? नहीं, सेब एक फल है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? नहीं, सेब एक सब्जी नहीं है। नहीं, सेब एक सब्जी नहीं है। फिर नौवां कौन सा चित्र है बताओ? राइट, कौन सा चित्र है? एलिफेंट। एलिफेंट यानी के हाथी। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। तो यह क्या है, उसका उत्तर क्या आएगा? यह हाथी है। यह हाथी है। फिर क्या हाथी एक पक्षी है? हाथी पक्षी में आता है? नहीं, हाथी एक पक्षी नहीं है। तो हाथी क्या है बताओ? वेरी गुड, हाथी पशु है। हाथी एक पशु है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्या हाथी एक पक्षी है? उसका उत्तर क्या आएगा? नहीं, हाथी नहीं, हाथी एक पक्षी नहीं है। क्योंकि हाथी तो एक पशु है। तो ये हुआ प्रश्न और उत्तर का अभ्यास पार्ट 3। यहाँ पे हमने क्या चित्र देखकर उसके उत्तर लिखे और बताए कि यह सब्जी नहीं है, यह फल नहीं है, यह फल में आता है, यह फूल में आता है, ऐसा आंसर लिखा। जैसे सेब का चित्र है तो उसका क्वेश्चन क्या था? यह सब्जी है, क्या सेब एक सब्जी है? तो उसका आंसर क्या लिखा हमने? नहीं, सेब एक सब्जी नहीं है, क्योंकि सेब तो एक फल है। ओके, तो ये हुआ हमारा लेसन नंबर 20 कंप्लीट। तो ये सारे आंसर आपको अपनी हिंदी की बुक में फिलअप कर लेना है। ओके, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।